अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस्लामियात के लेक्चर में हकूकुल इबाद, जिसमें यतीम, बेवा, माजूर, मुसाफिर के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है कारोबार में दयानत के बारे में। ये दोनों चैप्टर्स हमारे आज के टॉपिक हैं। हकूकुल इबाद में जो शामिल हैं वो है यतीम, बेवा, माजूर और मुसाफिर। जो छोटे बच्चे अपने बाप के साए शफकत से महरूम हो जाते हैं वो यतीम कहलाते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे यतीमों के हकूक के बारे में क्या फरमाया। इसके मुतालिक मुआशरे के अफराद पर कुछ फ़राइज़ या ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। मुआशरे के तमाम अफराद का फ़र्ज़ बनता है कि यतीम के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आएँ, इसकी हर तरह की ज़रूरियात का ख्याल रखें, इसके माल व असबाब की हिफाजत करें, इसकी तालीम व तरबियत का मुनासिब इंतज़ाम करें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ही यतीम हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमों की बेकसी का खूब अंदाज़ा था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों के साथ बहुत शफकत से पेश आते थे। कुरान करीम ने भी यतीमों के मुतलिक मुतअद्दिद हदायात दी हैं। कुरानी अहकाम में यतीम को हकीर बेसहारा समझकर उन्हें धक्के ना दिए जाएं, ना उनके एहतराम में कोई कमी की जाए, यतीम पर कहर और सितम ना किया जाए। अब ये जिन जिन सूरतों में इसका जिक्र है वो उसके साथ ही लिखी गई हैं, सूरह माउन में, सूरह फजर में, सूरह जुहा में। फिर है कि किसी रिश्तेदार यतीम को खाना खिलाना बहुत बड़ी नेकी करार दिया गया है, लेकिन यतीम को ये खाना अल्लाह की रज़ा के हसूल के लिए खिलाया जाए। यतीमों का माल अपने माल में शामिल ना करो, बल्कि एहतियात और ज़िम्मेदारी से उनके हवाले करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। लेकिन ना समझी की उम्र में यतीमों के माल के हवाले ना करो, बल्कि उनकी परवरिश भी करो, उनके माल की हिफाजत भी रखो, और जब वो बड़े और समझदार हो जाएं तो उनके माल उनके सपोर्ट कर दो। यतीमों के साथ इंसाफ का मामला करें। उसके बाद है, लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर में जब बेवाओं का, सहाबाए कराम, मजदूरों के बारे में डिस्कस किया था, अब हम लोग मुसाफिर के हकूक़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अब मुसाफिर के हकूक़, अपने घर से दूर होता है वो वक्ती तौर पर आराम और साइश से महरूम होता है। इसकी निगहदाश्त की बड़ी ताकीद फरमाई गई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुसाफिर और अनजाने मेहमान फरिश्तों के साथ जो सलूक किया उसमें भी हमारे लिए रहनुमाई का सामान है। मुसाफिर की खिदमत के आदाब, बातचीत का आगाज़ सलाम से होना चाहिए, ये एक दूसरे के लिए सलामती की दुआ है। इसके बाद खाने पीने का इंतज़ाम फौरी तौर पर करना चाहिए। मुसाफिर की खिदमत करके खुशी महसूस होनी चाहिए, इसके आराम का ख्याल रखना चाहिए। हर वक्त उसके पास ना रहें, बल्कि उसे कुछ देर के लिए तन्हा भी छोड़ देना चाहिए। मुसाफिरों की इज्जत और एहतराम का तहफ्फुज़ भी ज़रूरी है। जिस तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने मेहमानों के एहतराम की हर मुमकिन कोशिश फरमाई थी, कुरान करीम ने सदकात के मुसारिफ में से एक मुसारिफ इब्ने सबील राहगीर या मुसाफिर भी करार दिया है। सफ़र पर रवानगी के वक्त मुसाफिर को थोड़ी दूर तक साथ चलकर दुआओं के साथ रुखसत करें। सफ़र से वापसी पर मुसाफिर का इस्तकबाल करना भी अच्छी बात है। हम लोगों ने मुसाफिर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, उसके बाद माजूरों के बारे में, बेवाओं के बारे में। बेवा के साथ इंसानी तारीख में जो जुल्म किया गया है वो इंतहाई दर्दनाक है। अर्ब में ये जानवरों की तरह खाविन के वारसों की ग़ुलामी में चली जाती थी। यहूदियों में ये मरहूम शोहर के भाई की मलकियत करार पाती थी। हिंदू मज़हब ने तो उसे ज़िंदा रहने का हक भी छीन लिया, या तो वो शोहर के साथ चिता के साथ जल मरे या सती हो जाए और सारी उम्र लानत और नहूसत की अलामत बनकर सोग में गुजार दे। इस्लाम ने बेवाओं के हकूक़ मुतय्यन किया और उनमें से चंद दर्ज ज़ैल हैं। खावन की विरासत में से उसे बकायदा एक मुकर्रा हिस्से का हकदार करार दिया। अगर महर अभी तक अदा ना हुआ हो तो वो खावन के माल में से उसे अलहदा अदायगी लाजमी करार दी गई है।
खाविन की वफ़ात का दायमी शोक ख़त्म करके 4 माह 10 दिन की मुद्दत मुकर्रर है। बेवा को अपनी दूसरी शादी की पूरी आज़ादी दे दी गई है और इसको इस पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी गई। ये हो गए बेवाओं के हकूक। उसके बाद है मज़दूरों के हकूक। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मज़दूरी की बिना पर लोगों को हकारत अमेज अलकाब रखने से मना फरमाया है। आप सल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई की कोई मुसीबत दूर करे, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसे मुसीबतों में से इसकी कोई मुसीबत ज़रूर दूर फरमाएगा। आप सल्लम ने फरमाया कि भूले भटके को या किसी नाबीना को रास्ता बताना भी सदका है। इसी तरह इसके जो बाकी पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो था कारोबार में दयानत। अब हमने कारोबार में दयानत के बारे में पढ़ना है, उसको डिस्कस करना है। उसे डिस्कस करते हैं कि एक मुसलमान जहाँ कहीं भी हो, जो कुछ भी कर रहा हो, वो अल्लाह का बंदा और अल्लाह के रसूल का पैरोकार और उम्मती है। और ये अल्लाह का एहसान है कि उसने एक बंदा मोमिन की ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई का इंतज़ाम फरमा दिया है। कारोबार का मामला भी यही है कि एक मुसलमान अगर कारोबार इख्तियार करता है तो उसके लिए भी उसे बुनियादी हदायत फ्राहम कर दी गई हैं। और ऐसा क्यों ना हो, जबकि आप सल्लम ने फरमाया कि 9 हिस्से रिज्क के कारोबार में हैं और बाकी 1 हिस्सा दूसरे कामों के लिए। कारोबार में दयानत के बारे में इस्लाम ने हमें मंदरजा ज़ैल हदायत फरमाई हैं। एक हमारे पास जो है वो दयानतदारी का इनाम। पहले हम दयानतदारी के बारे में पढ़ेंगे, फिर बददयानती की सज़ा के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमें इसका नफ़ा और नुकसान क्या है। सच्चा और दयानतदार ताजिर अंबिया सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। इससे जाहिर होता है कि कारोबार में दयानत की वजह से इंसान को सबसे बड़े मर्तबे वाले लोगों के साथ का साथ नसीब होगा। जबकि वो दूसरा पहलू ये है कि आपने फरमाया, क़यामत के दिन ताजरों का हश्र फाजरों और बदकारों जैसा होगा, सिवाय उन ताजरों के जो तकवा, नेकी और सच्चाई इख्तियार करें। यह भी इरशाद फरमाया कि 3 किस्म के लोग क़यामत में अल्लाह ताला की सख्त नाराज़ी और अजाब के हकदार होंगे। उनमें से एक वो ताजर जो झूठी कस्मों के ज़रिए अपना कारोबार चलाता है। उसके बाद है दयानतदारी की सज़ा। जो शख्स धोखा देकर, हम मुसलमानों में से नहीं, जो शख्स धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं, एक जींस का ढेर इस तरह लगाए कि ऊपर अच्छा माल हो और नीचे नाकिस, मतलब के ख़राब हो, या माल में मिलावट करे, या कीमत आला माल की ले और माल घटिया दे। इस तरह नाप तोल में हेरा फेरी भी कारोबार के सिलसिले में बहुत बड़ी और आम किस्म की बददयानती है। कुरान करीम में कई जगह इससे मना किया गया। मसलन सूरह रहमान, शोहरा, हूद, अल-एराफ़, अल-इनाम, बनी इसराइल में ऐसी बददयानती की मजम्मत आई है। सूरतुल मुतफ़फ़ीन का तो नाम ही इस कारोबारी बददयानती के हवाले से रखा गया है। और हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की कौम पर इस बददयानती की वजह से अज़ाब इलाही नाजिल हुआ। अब आपको दयानतदारी के इनाम के बारे में भी कि हमें किस तरह काम करना और उसकी सज़ा के बारे में भी। अब उसके बाद थोड़ा सा है कि नफ़ा और नुकसान। नफ़ा हमें पता तब होगा जब हम ईमानदारी से काम करें, और नुकसान तब होगा जब हम बददयानती से काम करेंगे। कारोबार में दयानत में से इजाफा और तरक्की होती है अगर हम दयानतदारी से काम करते हैं, क्योंकि इस तरह ख़रीदारों का दुकानदार पर एतमाद कायम होता है, और ये एतमाद ख़त्म हो जाए तो कारोबार ठप हो जाता है और कारोबार में बददयानती जाहिर करती है। इस ताजर को अपने मुसलमान भाइयों के साथ कोई हमदर्दी नहीं, वो फरेबकारी के साथ, नुकसान के साथ, किसी भी तरह वो अपना माल काम जो भी है वो उसको फरोख्त करने की कोशिश करता है। ऐसे दुश्मन इंसानियत शख्स मुसलमान होने का दावा कैसे कर सकता है कि जब उसे अपने मुसलमान भाई का ही एहसास नहीं है। अब हमें पता चल गया है कि तमाम चीज़ों का कि दयानतदारी बददयानती है। अगर हम नेक काम करते हैं या दयानतदारी के साथ कारोबार करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, अगर हम बददयानती के साथ काम करते हैं तो उसका क्या नुकसान है। उम्मीद करती हूँ कि हम आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। हमारे तकरीबन टोटल जो है वो 6
चैप्टर्स हम लोगों ने इन दिनों में तैयार किए थे, पढ़े थे। आपके अगर कुछ रह गया है, टॉपिक रह गए हैं, वो आपने खुद उनको करना है, उसी में से आपके क्विज आ सकते हैं और आएंगे। आपने उसे अच्छे से करना है, अपने सारे सिलेबस को अच्छे से रिव्यू करना है। 5 सितंबर को आपके ऑनलाइन पेपर्स शुरू हो रहे हैं, उसका वक्त जो है वो महदूद होगा। आपके पेपर्स MCQs की सूरत में होंगे, टोटल नंबर आपके 50 होंगे, 25 आपके MCQs होंगे, 1 MCQs आपका 2 नंबर का होगा। एग्ज़ाम से मुतल्लिक आपका सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, और या आप स्कूल ऑफिस आके रابطہ करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।